हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स के बारे में चर्चा करी थी, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के हमने स्ट्रेन गेज देख लिया था। स्ट्रेन गेज में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी वो उसका गोज फैक्टर था। गोज फैक्टर इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी, और इसका फॉर्मूला बिलीव मी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम द सेम फॉर्मूला इन द स्ट्रेन गेज। ध्यान रखिएगा, गेट एग्जामिनेशन की बात हो रही है, पॉइजन रेशियो क्या होता है हमने उसके बारे में चर्चा कर ली, ये सारी चीज़ें हमने देखी। चलिए, जब आप स्ट्रेन गेज से बात कर रहे हैं, स्ट्रेन गेज की बात कर रहे हैं, आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू चेंज इन द रेजिस्टेंस। चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस चेंज होगा। किसकी वजह से? स्ट्रेन की वजह से। स्ट्रेन क्यों हुई? इनपुट क्वांटिटी की वजह से। इन सभी में एक नाता है, रिलेशन है, जिसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। कैलिब्रेशन करते हैं सिस्टम को। अभी आपका शॉर्ट बोले तो रैंक बूस्टर है, चीज़ें को बड़ो शॉर्ट करके मुझे बताना पड़ रहा है। जब आप फुल कोर्स में मिलेंगे सो देर आर सो मेनी थिंग्स विल बी देयर फॉर यू पीपल। ठीक है, वेर इज माई मार्कर? ये रहा मार्कर। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमने आपको बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बात होगी, मार्कर को ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने एक ब्रिज बना दिया है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बोला है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने एक जगह पे आपका स्ट्रेन गेज ले लिया है। यहीं क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, या फिर एक से ज़्यादा क्यों नहीं, सब कुछ तो हम फुल कोर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, जो भी स्ट्रेन गेज जिसका भी जिसको आप स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने इस ब्रिज में ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा। इस डिफ्लेक्शन को मेजर कर लेंगे, बाद में कैलिब्रेशन होगा इस स्ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इनपुट क्वांटिटी। वो सारी चीजें हो गई आपके पास। ठीक है, तो जब किसी भी ब्रिज में यदि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेन गेज अवेलेबल हो सिंगल, तो इसे हम क्वार्टर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? क्वार्टर ब्रिज। बट जो भी स्ट्रेन गेज आप यूज करेंगे वो एक्टिव स्ट्रेन गेज होना चाहिए। एक्टिव स्ट्रेन गेज मतलब वो कि जिसका की रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है आपके इनपुट क्वांटिटी की वजह से, दूसरी किसी भी चीज से नहीं। ठीक है, यदि आपके दो स्ट्रेन गेजेस इसमें शामिल हो, इसमें दो एक्टिव स्ट्रेन गेजेस यदि आप यूज करते हैं तो इसे हम हाफ ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसको हाफ ब्रिज बोलते हैं। यदि आपकी चारों ब्रांच में, तीन ब्रांच में स्ट्रेन गेज होने का कोई मतलब नहीं है, बाद में डिस्कशन होगा, फुल कोर्स में डिस्कशन होगा, चार यदि लेते हैं तो इसे हम फुल ब्रिज बोलते हैं, फुल ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्वार्टर ब्रिज हो, चाहे हाफ ब्रिज हो, चाहे फुल ब्रिज हो, ब्रिज इज नथिंग बट द व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्टिव स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट जो स्ट्रेन गेज आपका टेक पार्ट कर रहा है इनपुट क्वांटिटी में, यानी कि स्ट्रेन में, वो तो आप इस ब्रिज की सहायता से इस वीबी को मेजर कर सकते हो। और इस वीबी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अभी तो शॉर्टकट बात डायरेक्टली हम लिख लेंगे, फुल कोर्स में डिराइव करेंगे चीजों को। तो वीबी इज नथिंग बट एन इंटू जो इनपुट आपका है, जो भी इनपुट है, डिवाइड बाय 4 गुणा डेल आर बाय आर, गुणा डेल आर बाय आर। ध्यान से, ये एन है नंबर ऑफ एक्टिव, नंबर ऑफ एक्टिव आपका स्ट्रेन गेजेस। यदि क्वार्टर ब्रिज हो यानी कि एन इक्वल टू 1 है, हाफ ब्रिज हो मतलब एन इक्वल टू 2 है, फुल ब्रिज हो एन इक्वल टू 4 है। बात समझ आ गई? ठीक है, ई इज नथिंग बट ये एक्साइटिंग वोल्टेज जो है उसकी बात हो रही है, डेल आर जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, आर इज नथिंग बट उस एक्टिव स्ट्रेन गेज का इनिशियल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर है इतनी बात? सो स्ट्रेन गेज से रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, जो कि रैंक बूस्टर का हमारा मकसद है। क्वेश्चन देखिए, सो पहला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए जरा। पॉइजन्स रेशियो फॉर अ मेटल इज 0.35। ठीक है, 35 वैल्यू दी हुई है। नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट द गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज। ठीक है, तो जैसे कि गेज फैक्टर का फॉर्मूला आपने देखा है, आपने क्या देखा था? 1+2μ, बराबर है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट म्यू की यदि वैल्यू रखोगे तो 0.35 आ जाएगी वैल्यू। तो दिस इज नथिंग बट 1+2 गुणा 0.35, सो दिस इज नथिंग बट 1.7, सो दिस इज नथिंग बट द गेज फैक्टर। ये एक नंबर का क्वेश्चन था जिसका आंसर 1.7 आने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो जरा, इसने लिखा पॉइजन रेशियो फॉर मेटल इज 0.35, नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो ये बला क्या है?
नेग्लेक्टिंग द पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट क्या है, पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन फिल कोर्स में हम इसको पूरा डिराइव करेंगे फॉर्मूले को, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। आर इज नथिंग बट रो एल बाई ए, आप लेंथ चेंज कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, एरिया को भी कंसिडर हो गया डायमेंशन में और लेंथ भी हो गया, ठीक है। एक और थिंग है कि आप रेजिस्टिविटी को चेंज कर दो, तो रेजिस्टिविटी को चेंज करने से भी रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो जो फिनोमिना है कि रेजिस्टिविटी चेंज होने के कारण जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसे हम बोलते हैं पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट मतलब इसके कारण इसमें चेंज माइन्यूट सा होता है, यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जब ये फॉर्मूला डिराइव करते हो ना आप, दिस फॉर्मूला इफ यू डिराइव, सो इसके एक्चुअल वैल्यू आती है 1+2μ+ डेल रो बाई रो डिवाइड बाई डेल एल बाई एल, ठीक है। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस चेंज बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो नेग्लेक्टिंग पीजो रेजिस्टेंस इफेक्ट, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है, तो इसी क्योंकि बहुत माइन्यूट बहुत कम होता है, इसलिए आपने फॉर्मूला का क्या देखा 1+2μ, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा था और सीधा आपने आंसर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ स्ट्रेन गेज हैज अ नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम, एक स्ट्रेन गेज है जिसका नॉमिनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, आप लिख लीजिए चलिए आर इक्वल टू 600 ओम, ठीक है, एंड गेज फैक्टर इज 2.5, उसने आपको गेज फैक्टर दे दिया कितना 2.5। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेन गेज इज कनेक्टेड इन डीसी ब्रिज विद 3 अदर रेजिस्टेंसेस ऑफ 600 ओम, ब्रिज में है और ब्रिज के सारे रेजिस्टेंस जो बचे हैं वो 600 के, और ये खुद भी 600 का, मतलब बैलेंस वाली कंडीशन है। द ब्रिज इज एक्साइटेड बाई 4 वोल्ट, एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया, मतलब ई की वैल्यू दे दी, इसने आपको ई की वैल्यू दे दी कितनी 4 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेन गेज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेन ऑफ 100 μm/m, स्ट्रेन तो आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं डेल एल बाई एल, इसकी क्वांटिटी क्या है ये मीटर है और ये भी क्या है मीटर, तो ये यूनिटलेस है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिया माइक्रोमीटर पर मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसिल, सारी चीजें कैंसिल है, लेकिन ये माइक्रो रह जाएगा, मतलब दिस इज नथिंग बट 100 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू दी गई है, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू भी आपके पास दी गई है 10⁻⁴ दिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रिज आउटपुट विल बी, ब्रिज का आउटपुट कौन है डिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूला तो आपने देखा ही है कि सर डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट एन गुणा आपका एक्साइटेशन वोल्टेज डिवाइड बाई 4 डेल आर बाई आर, डेल आर बाई आर बराबर है इतनी बात, यही है। तो अब देखो कितने आपने स्ट्रेन गेज इसमें यूज किया, ओनली वन आ स्ट्रेन गेज, ओनली वन स्ट्रेन गेज, मतलब एन की वैल्यू कितनी 1, तो वी भी जो कि उसने पूछा है इज नथिंग बट ई, ई की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 4 और दिस इज डेल आर बाई आर, सो जो डेल आर बाई आर की वैल्यू है वही वी बी की वैल्यू होगी बिकॉज दिस गॉट कैंसल। तो डेल आर की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं, आर की वैल्यू है क्या, यस, तो डेल आर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको एक फेमस रिलेशन पता है कि सर गेज फैक्टर इज नथिंग बट, गेज फैक्टर क्या होता है डेल आर बाय आर डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है ना, ठीक है। तो यहां से डेल आर बाय एल की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए जरा डेल आर बाय आर की वैल्यू हो गई गेज फैक्टर गुणा स्ट्रेन, गेज फैक्टर गुणा स्ट्रेन, तो गेज फैक्टर और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू उसने दी हुई है, सो वी बी इज नथिंग बट, वी बी इज नथिंग बट डेल आर बाय आर की वैल्यू, गेज फैक्टर कितना प्यारे बच्चे 2.5 गुना, स्ट्रेन कितनी है 10⁻⁴, ठीक है। तो आपके पास 2.5 10⁻⁴ टाइप में कुछ भी आंसर नहीं है, तो कन्वर्ट कर लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं 250 × 10⁻⁶ वोल्ट, सो दिस इज नथिंग बट 250 μV, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ब्रिज आउटपुट, जो कि वो आपसे पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है चीजों को एग्जीक्यूट करना, यस और नो, समझ में आया इतनी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोलता अ यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज, क्वार्टर ब्रिज जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाता है कि एन इक्वल टू 1, ठीक है,
ओके, स्ट्रेन मेजरिंग सर्किट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1 मिली वोल्ट. आउटपुट जो है ना 1 मिली वोल्ट प्रोड्यूस होता है फॉर अ स्ट्रेन ऑफ 500 माइक्रो स्ट्रेन. 500 माइक्रो स्ट्रेन ये एप्सिलॉन की वैल्यू है. इसके लिए 1 मिली वोल्ट प्रोड्यूस होता है एक वाटर ब्रिज में, जो कि यूनिटी रेशियो है. नाउ यूनिटी रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे. व्हेन द ब्रिज एक्साइटेशन इज 4 वोल्ट, यानी कि ई की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा है द गेज फैक्टर ऑफ एलिमेंट इज, गेज फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिटी रेशियो. सबसे पहली बात देखिए, वेटस्टोन ब्रिज में हम रेजिस्टेंसेस यूज करते हैं सभी ब्रांचेस के, सभी 4 अलग अलग ब्रांचेस में 4 रेजिस्टेंसेस रहते हैं. ठीक है, तो यूनिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि सपोज आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इन दोनों का रेशियो यदि आप ले लेते हैं तो वो क्या आता है, 1 आता है. रेशियो सेम होना चाहिए. तो रेशियो जब सेम होगा तो इसका मतलब ये कि चारों ब्रांचेस के जो इनिशियल रेजिस्टेंसेस आप मानेंगे ना, वो इक्वल मान लेंगे, है ना. नाउ इक्वल मानने के बाद आपके एक ब्रांच में आपका स्ट्रेन गेज लगा हुआ है. कौन बोला, क्योंकि क्वार्टर ब्रिज मतलब एन इक्वल टू 1 की बात हो रही है, इतनी बात समझ में आती ना. अब वो आपसे स्ट्रेन गेज पूछ रहा है, आपसे गेज फैक्टर पूछ रहा है, तो रिलेशन आपको पता है. ये क्वेश्चन मैं आपका कर रहा हूं, रिलेशन आपको क्या पता है कि जो आउटपुट वीबी रहेगा उसका फॉर्मूला क्या है, VB = n(e)/4, और यहां आता है δr/r, बराबर है इतनी बात. ठीक है, तो देखो δr/r फॉर्मेट में बात नहीं हो रही, उसने गेज फैक्टर पूछा है, तो रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है ना. चलिए वैल्यू में रखता हूं, ये है सर 1 मिली वोल्ट. 1 मिली वोल्ट मतलब 10^-3. n = 1, e = 4, 4/4, ये पूरी वैल्यू 1 आई. δr/r की वैल्यू है गेज फैक्टर गुना एप्साइलॉन, बराबर है गेज फैक्टर गुना एप्साइलॉन ना. उसने गेज फैक्टर की ही वैल्यू पूछी है. सो गेज फैक्टर इज नथिंग बट 10^-3 डिवाइड बाय कितनी है स्ट्रेन, 500 मत रख दियो, बिकॉज माइक्रो स्ट्रेन है. माइक्रो स्ट्रेन मतलब 10^-6 भी है, 10^-6 भी है. सो 10^-3 से 10^-3 कट हो गया, नीचे 10^-3 बचा जो कि ऊपर गया, 10^3 आया, डिवाइड बाय 500 आया, 1000/500 200 आया, 200 इज योर आंसर, 200 इज योर आंसर, है ना. कितना आसान था क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल कर दोगे. देखो चूंकि रैंक बूस्टर कोर्स है तो ज्यादा डिटेल जाने का यहाँ पे अधिकार मुझे नहीं है, अदरवाइज इन चीजों को डिटेल में समझने में जो फील आता है, जो मजा आता है ट्रांसड्यूसर में, हर एक ट्रांसड्यूसर के बारे में जब उसको खोल के पढ़ते हैं ना, इन डिटेल इंडेक्स जब पढ़ते हैं ना, सिर्फ एक सानी में दिया इतना नहीं, उससे भी ज्यादा है दुनिया, बड़ा मजा आता है. पढ़ेंगे अपन सब आने वाले टाइम में, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, और इसमें भी शायद गेज फैक्टर ही पूछ रहा है. अ स्ट्रेन गेज इज अटैच्ड टू अ बार ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स. ठीक है, एक स्ट्रेन गेज है जो कि एक बार से अटैच्ड है, जिसकी लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स. द नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज इज 100 ओम. आपका रेजिस्टेंस का जो नॉमिनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है आपको. ओके, द चेंजेस इन रेजिस्टेंस एंड एलोंगेशन इन द बार मेजर्ड आर 0.35 ओम एंड 0.2 mm. ठीक है, जो बार आपने यूज की है उसमें एलोंगेशन जो हुआ, जो चेंज इन लेंथ हुआ, वो कितना हुआ, 0.2 mm का हुआ उसमें, 0.2 mm का, और रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ वो हुआ 0.35 का, 0.35 का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, है ना. आपसे पूछा जा रहा है द गेज फैक्टर ऑफ द स्ट्रेन गेज इज, गेज फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है. देखो आपके पास इसने क्या ले लिया, एक बार ले ली 20 सेंटीमीटर लेंथ की, ये एक बार है जिसकी की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये जो लेंथ है दिस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक स्ट्रेन गेज अटैच्ड है, चलिए बॉन्डेड टाइप का स्ट्रेन गेज आप
ऑब्वियस सी बात है अटैच करने वाले हैं, कैसा एक बॉन्डेड टाइप का स्ट्रेन गेज आपने इसमें अटैच कर दिया। ठीक, चलिए ये स्ट्रेन गेज इस पे अटैच्ड है, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेन गेज किस पे अटैच्ड है, इस बार पे आपकी। ओके, अब क्या होता है, इस बार को आप टेंसाइल फोर्स देते हैं, मतलब आप इसे खींचते हैं, आप इसे क्या करते हैं, खींचते हैं टेंसाइल फोर्स। तो उस टेंसाइल फोर्स की वजह से एलोंगेशन होता है, तो जो लेंथ में जो चेंज हो जाता है वो 0.2 mm होता है, और रेजिस्टेंस जो चेंज होगा, किसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है सर स्ट्रेन गेज की बात हो रही है, स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस चेंज को डेल आर की वैल्यू उसने आपको दे दी है। तो उसने आपसे पूछा है गेज फैक्टर के बारे में, तो गेज फैक्टर का रिलेशन बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। सर गेज फैक्टर इज नथिंग बट, गेज फैक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, डेल आर बाय आर, ये आउटपुट है और इनपुट क्या है, स्ट्रेन है, इनपुट कौन है, स्ट्रेन है। गेज फैक्टर की वैल्यू पूछी है तो आपको याद होना चाहिए, मतलब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए डेल आर जो कि आपके पास है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आर जो कि है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए स्ट्रेन, स्ट्रेन जो कि इस पे अप्लाई हुई है। अब आप मुझे बताइए इसकी जो स्ट्रेन है जो इस पे अप्लाई हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस बार, जो बार में स्ट्रेन होगा सेम टू सेम स्ट्रेन आपके किस में होगा, आपके स्ट्रेन गेज में होगा। तो स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको यहां चाहिए तो आप गेज फैक्टर आसानी से निकाल पाएंगे। सो डेल एल की वैल्यू प्यारे बच्चे 0.2 mm ऑलरेडी दे दी है उसने, 0.2 mm, ठीक है, और इसकी इनिशियल जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि 200 mm दी हुई है, 200 mm दी हुई है, ठीक है। mm गेट कैंसल्ड, यू हैव 1/1000 मीन्स 10^-3, इसकी वैल्यू कितनी है, 10^-3 इसकी वैल्यू है। सो गेज फैक्टर की बात हो रही है, सो गेज फैक्टर इज नथिंग बट डेल आर, डेल आर की वैल्यू बोलेंगे सर, डेल आर की वैल्यू है 0.35, ये 0.35 डिवाइडेड बाय 100 ओम, 100 ओम, और ये जो है वो डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन से जो कि कितनी है, 10^-3, सो 10^-3, ठीक है। तो ये कहानी क्या हो गई, 0.35, यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं कभी कभी, दिस इज नथिंग बट 100 × 10^-3, है ना, 10^-3 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 350, 350 डिवाइड बाई 100, सो दिस इज नथिंग बट 3.5, 3.5 आपके ऑप्शन में होना चाहिए, तो 3.5 इज योर आंसर, ठीक है। आप गौर से देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 100, गेज फैक्टर की वैल्यू 100, मतलब वेरी हाई होना, मतलब क्या गेज फैक्टर क्या होता है, आपने देखा गेज फैक्टर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर अप्लाइंग स्ट्रेन, गेज फैक्टर इज वेरी हाई का मतलब क्या कि ये जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना वो बहुत हाई है, फॉर द माइन्यूट स्ट्रेन, जरा सी भी स्ट्रेन में, माइन्यूट स्ट्रेन में ये रेजिस्टेंस चेंज वेरी हाई हो जाए तो गेज फैक्टर वेरी हाई होगा। और ये फेनोमेना हमेशा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस में देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए स्ट्रेन गेज जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस हैं उनके स्ट्रेन गेज के गेज फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बात समझ में आ गई, लेकिन ज्यादा के साथ साथ वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोला है, देखो सपोज आपने गेज फैक्टर एक वायर का निकाला, ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वायर के केस में जब आप एलोंगेशन अप्लाई करते हो तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल करोगे तो डेल आर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, फॉर द टेंसाइल फोर्स नॉट फॉर द कंप्रेसिव। बट सेमीकंडक्टर में एन टाइप का नेचर अलग है, पी टाइप का नेचर अलग है, देख लेंगे, चलिए जाते जाते वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, कभी कभार गेट में ऐसा होता है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन उस लंबे चौड़े क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, और यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग है
तो आंसर भी आप 2 सेकंड्स में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने का टाइम अलग है, एग्जीक्यूशन टाइम इज 2 सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन को रीड करेंगे तो 30 सेकंड्स में आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा डरावना है लिखने के मामले में, करने के मामले में कुछ नहीं। अ स्ट्रेन गेज इज अटैच्ड ऑन अ कैंटिलीवर बीम। एक स्ट्रेन गेज है, ये रहा स्ट्रेन गेज जो कि कैंटिलीवर बीम में इस टाइप से अटैच्ड है। दिस इज द बीम, कैंटिलीवर बीम जो कि अटैच्ड है एक पर्टिकुलर बेस से। एज शोन इफ द बेस ऑफ द बीम वाइब्रेट्स, ये जो बेस है दिस इज नथिंग बट द बेस, ये बेस ऑफ द बीम, ये बेस जो है ना ये वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चे, वाइब्रेट, ये वाइब्रेट कर रहा है। और जो वाइब्रेट कर रहा है ना बच्चे, तो उसमें क्या बोला, इक्वेशन एक्स ऑफ टी, ये जो एक्स ऑफ टी का वाइब्रेशन इक्वेशन उसने दिया, साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी, वेयर ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 2 इज लेस देन 3 रेडियन पर सेकेंड। देन क्वेश्चन पूछा है द आउटपुट, ये आउटपुट है ऑफ द स्ट्रेन इज प्रपोर्सनल, आउटपुट ऑफ द स्ट्रेन गेज लिख लीजिए आप यहाँ पे, आउटपुट ऑफ द स्ट्रेन गेज इज प्रपोर्सनल टू। तो कहाँ रहा स्ट्रेन गेज, ये रहा स्ट्रेन गेज। कौन स्ट्रेन गेज को इनपुट आ गया भाई, बेस का वाइब्रेशन इज द इनपुट। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है कि स्ट्रेन गेज का आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, डीएक्स बाई डीटी के प्रोपोर्शनल होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डीटी के या इसके। ठीक है, अब देखो सिंपल जो इनपुट है वाइब्रेटिंग है, वाइब्रेशन स्ट्रेन गेज का इनपुट है बराबर। स्ट्रेन गेज जो है, दिस इज द स्ट्रेन गेज राजा, स्ट्रेन गेज के इनपुट में को क्या है आपके पास, वाइब्रेशंस हैं। तो स्ट्रेन गेज का जो भी आउटपुट होगा वो इस वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा ना। आउटपुट जो भी होगा वो इनपुट क्वांटिटी के कारण होगा। तो वाइब्रेशन क्या है प्यारे बच्चे, वाइब्रेशन इज नथिंग बट एक्सलरेशन और नॉट एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का ही दूसरा नाम वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन जो है वो एक्सलरेशन का दूसरा नाम। अब आपको लीनियर क्वांटिटी एक्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट एक्स मेंशन है, लेकिन चूंकि वाइब्रेटिंग है एक्सलरेशन है तो एक्स के टर्म में क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये इनपुट है, ये एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन इज नथिंग बट वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इज द इनपुट टू द स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज का आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होगा सर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के। सिंपल सा पढ़ के ही यू नो एग्जीक्यूशन होने वाला क्वेश्चन है ये, आपको क्लियर है। वाइब्रेशन इज द इनपुट, वाइब्रेशन इज द इनपुट मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, लीनियर क्वांटिटी एक्स मेंशन है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इसमें एक्सेलरेशन, तो आउटपुट जो होगा इनपुट के प्रोपोर्शनल होगा। सड़ा सा क्वेश्चन था, किया ना अपन ने। चलिए 2 क्वेश्चन और हम ले रहे हैं आपके, सेम टॉपिक सेमीकंडक्टर, सॉरी स्ट्रेन गेज बेस्ड, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन है, बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हैज अ नॉमिनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फैक्टर ऑफ +200 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो प्लस लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है आपका, वेरी हाई, 200 इज वेरी हाई, बिग नंबर, बिग नंबर मीन्स हाई रेजिस्टेंस चेंज। समझ में आ गई बात, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज इन ओम्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेन ऑफ 10^-4 मीटर पर मीटर एट द सेम टेम्परेचर इज, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज इन ओम्स, आपसे ओम्स में रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपके स्ट्रेन गेज का, कब, जबकि आप स्ट्रेन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो प्यारे बच्चे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर सकते हैं, आपके पास सेमीकंडक्टर की जब बात करेंगे तो 2 तरह के हैं, पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है,
सो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, इनके गेज फैक्टर की यदि बात करें तो दोनों का गेज फैक्टर जो है ना वो अलग 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 बोले तो इसका यदि पॉजिटिव गेज फैक्टर है तो इसका नेगेटिव गेज फैक्टर है, पॉजिटिव गेज फैक्टर और नेगेटिव गेज फैक्टर, बात समझ में आ गई। फिर चाहे आप टेंसाइल फोर्स ले लीजिए या टेंसाइल इनपुट ले लीजिए, पी टाइप का ऑलवेज पॉजिटिव गेज फैक्टर रहने वाला है, एन टाइप का ऑलवेज नेगेटिव गेज फैक्टर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ज्यादा डिटेल में तो अपन फुल कोर्स में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं, ओके। चलिए तो फिर ये कहानी हो गई, यहाँ पे प्लस 200 आपको दिया हुआ है। नाउ प्लस, प्लस क्या शो करता है? प्लस शो करता है, सी ये जो प्लस है ना ये रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट को शो करता है फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट को शो करता है फॉर द टेंसाइल इनपुट, बट ऑन द सेम वे पॉजिटिव जीएफ का मतलब ये भी है डिक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस व्हेन अप्लाइंग द कंप्रेसिव फोर्स, समझ में आती बात। चलिए अभी फिलहाल मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, फुल कोर्स में करते रहेंगे हम। पी टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज नॉमिनलिज्म ऑफ 1000 एंड जीएफ ऑफ 200 देस, द रेजिस्टेंस इज इन ओम्स इफ स्ट्रेन इज अप्लाइड। नाउ रिलेशन यू नो वेरी वेल कि सर जो गेज फैक्टर होता है वो होता है कितना, डेल आर बाय आर डिवाइड बाय स्ट्रेन, ये होता है, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है गेज फैक्टर की वैल्यू, वो दी हुई है 200 गेज फैक्टर की वैल्यू दी हुई है। डेल आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं बिकॉज 1000 इज द नॉमिनल रेजिस्टेंस गिवन ओवर देयर। आपको स्ट्रेन की बात करेंगे तो 10^-4 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप डेल आर की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 200 × 10^-1, सो दिस इज नथिंग बट 20। नाउ सी दिस, दिस इज द पॉजिटिव चेंज, देखो पॉजिटिव गेज फैक्टर दिया हुआ है मतलब इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस था क्या सर, रेजिस्टेंस जो था आर जी, जी फॉर गेज में लिख लेता हूं, वो सर 1000 ओम था, नॉमिनल रेजिस्टेंस था ना 1000 ओम था। नाउ चेंज इन रेजिस्टेंस 20 ओम का हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस जो हुआ वो 20 ओम का हुआ। नाउ देखो पॉजिटिव आपका गेज फैक्टर है मतलब इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस है, तो ये होने के बाद जो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द गेज है, गेज का फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हो, वो कितना है प्यारे बच्चे, 1020 ओम, समझ में आ गई, 1020 ओम, क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, 1000 ओम स्ट्रेन गेज हैज अ गेज फैक्टर ऑफ, 1000 का स्ट्रेन गेज है जिसका गेज फैक्टर 2.5 दिया हुआ है। चलिए क्या क्या चीजें दी हुई है हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2.5, इट इज कनेक्टेड इन द ब्रिज एज शोन इन द फिगर, ये फिगर है, ये आपका स्ट्रेन गेज अटैच्ड है ओवर हियर, 1000 वी नॉट टू वोल्ट। The strain gauge is subjected with a positive strain of 400 micrometer per meter. Positive strain की बात हो रही है, positive strain की बात इसमें हो रही है। The output V naught in millivolt, ध्यान रखिएगा उसने जो पूछा है उसे मैं आंसर करना है, of the bridge is, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है ब्रिज का जो आउटपुट है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n इंटू E डिवाइड बाई 4 इंटू डेल आर बाई आर, ठीक है। डेल आर बाई आर यदि आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बिकॉज आपने ये सीखा है सर, दिस इज नथिंग बट गेज फैक्टर मल्टीप्लाई विथ स्ट्रेन, गेज फैक्टर मल्टीप्लाई विथ स्ट्रेन। नाउ देखो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, इसने गेज फैक्टर दिया हुआ है, स्ट्रेन भी दिया हुआ है और डायरेक्टली पूछा हुआ है आपसे वी नोट। चलिए तो फिर
वैल्यू डालते हैं। n की वैल्यू 1 है बिकॉज ओनली 1 आपके पास स्ट्रेन गेज है जो कि एक्टिव मोड में, यानी कि क्वार्टर ब्रिज आपके पास दिया हुआ है। चलिए n की वैल्यू 1 हो गई, e की वैल्यू 2 हो गई, सो दिस इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाय 4 गुणा GF की वैल्यू है 2.5 जो बड़े प्यार से आपने यहां रख दी। स्ट्रेन की वैल्यू 400 गुणा 10^-6 नहीं भूलना राजा, ठीक है। चलिए तो फिर यह हो गया 1/2 यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 2 गुणा 400 आपको मिली में चाहिए ना, सो इसको यहां ले लीजिए और ये मिली वोल्ट हो गया। ये क्या हो गया? मिली वोल्ट हो गया। सो दिस इज नथिंग बट वी नॉट, बराबर है इतनी बार। अब बड़े ध्यान से यहां देखिए जरा, इसका दिस इज नथिंग बट 2.5 गुणा ये हो सकता है पॉइंट, क्या हो सकता है आपका 0.2, ठीक है। दिस इज नथिंग बट मिली वोल्ट, ओके। सो 2.5 गुणा 0.2, सो दिस इज नथिंग बट 0.5 मिली, सो वोल्ट इज द आंसर। सो आपका आउटपुट जो आप आंसर करके आएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज 0.5। आप क्या लिख के आएंगे वहां पे? 0.5। बड़े ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर करके आते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेन गेज बेस्ड हैं जो कि मैं आपके सामने लिया है ना। तो अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने कंसिडर किए हैं, ठीक है। आपने जब टाइप की चर्चा करी थी बॉन्डेड की, अनबॉन्डेड की, सेमीकंडक्टर की, तो एक बात पता चल गई थी आपको कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस जो हैं उनका गेज फैक्टर बहुत हाई होता है। गेज फैक्टर हाई होना है मतलब इंडिकेशन है कि रेजिस्टेंस चेंज सबसे ज्यादा किस में होगा? सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस का। मतलब कि तीनों में से अनबॉन्डेड, बॉन्डेड और आपका सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन हो गया? सेमीकंडक्टर टाइप। सेंसिटिविटी मतलब क्या? कम स्ट्रेन पे भी, मिनिमम स्ट्रेन पे भी आउटपुट मिले, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस मिले, और ये पॉसिबल है किस में? सेमीकंडक्टर में। तो जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो कौन है? सेमीकंडक्टर। उसके बाद जो बॉन्डेड मटेरियल्स हैं, बॉन्डेड सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और सबसे लेस सेंसिटिव अनबॉन्डेड सेमीकंडक्टर्स, सॉरी स्ट्रेन गेजेस, ठीक है। ये सारी चीजें, कुछ बेसिक्स आपको मिल जाएंगी। चूंकि ये फुल कोर्स नहीं है तो सिर्फ वी आर डीलिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो भी वेरी क्विक वे में, क्योंकि फुल कोर्स जब आएगा और वहां पे भी जब हम स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे तो अभी जो पढ़ा उसका 10 times ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉलेज भी लेना है। PSUs में कल को क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा। बेसिक नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन किसी भी कोने से पूछे वो भी आपसे बनेगा। ये सारी चीजें उसमें कंसिडरेशन में है, बट अभी फिलहाल सिर्फ कम टाइम के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि 80% आपको हेल्प करने वाली है, तो हम उस लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन में रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन गेजेस हम देखेंगे, पोटेंशियोमीटर हम नहीं देखने वाले। और जहां तक बात RTD की है तो वो टेम्परेचर फैमिली में हम देख लेंगे। तो रेजिस्टिव का पार्ट ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव की बात करेंगे, फिर कैपेसिटिव, देन पीजो, देन टेम्परेचर एंड सम फ्लो ट्रांसड्यूसर्स। चलिए बहुत जल्दी ट्रांसड्यूसर को फिनिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लीजिए। क्वेश्चन जो भी आएंगे वो समहाउ उसी स्टाइल में आएंगे। फुल कोर्स में जब हम करेंगे ट्रांसड्यूसर को तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो अभी तक नहीं आए हुए हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।